हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। तो फाइनली इंडियन कोस्ट गार्ड ने असिस्टेंट कमांडेंट 2023 बैच के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। तो जो भी लोग एलिजिबल हैं और वेट कर रहे थे इस वैकेंसी के लिए, उन सभी लोगों के लिए ये खुशखबरी है। इस वीडियो में हम कम्प्लीटली रिव्यू करने जा रहे हैं उसके नोटिफिकेशन को, क्या डिटेल्स हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट क्या रखी गई है, वो कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। एग्जामिनेशन कब होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाली है, और साथ ही साथ थोड़ी बात हम करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीबी और यांत्रिक की न्यू वैकेंसी के बारे में भी। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। डिफेंस की हर एक अपडेट मैं आपको देता रहता हूं, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप के लिंक के थ्रू वहां जरूर ज्वाइन कर लो, वहां पर मैं नोटिफिकेशन भी इसका डाल दूंगा। स्टार्ट करते हैं और चलते हैं नोटिफिकेशन पे, और उसके बाद कंप्लीट डिस्कशन करते हैं वहां पे। तो अब मैंने नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एज एन असिस्टेंट कमांडेंट। इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज हैं? जनरल ड्यूटी, कमर्शियल पायलट लाइसेंस जो कि सीपीएल होती है, एसएसए, टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉ फॉर 2023 बैच, 2023 बैच के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। आगे अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए एप्लीकेशन विंडो कब ओपन होगी, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन कब शुरू होगी? तो इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 अगस्त 2022 को सुबह 11 बजे से शुरू होगी और चलेगी 7 सितंबर 2022 के शाम के 5:30 बजे तक। तो आप इसके लिए इस टाइम पे अप्लाई कर सकते हो, 17 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर के बीच में। आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे अलग अलग करके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ब्रांच, एज, जेंडर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो कई सारे ऐसे ब्रांचेस हैं जिसमें कि सिर्फ जेंडर मेल है, कुछ में मेल फीमेल दोनों है, और इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जनरल ड्यूटी की। जनरल ड्यूटी के लिए कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है उसमें क्या है, इसमें एज लिमिट रखी गई है 1 जुलाई 1997 से लेकर 30 जून 2001, और ये जेंडर है मेल के लिए, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मैथमेटिक्स और फिजिक्स होना चाहिए एज सब्जेक्ट अप टू इंटरमीडिएट और क्लास 12th जो आपकी होनी चाहिए। इसमें 55% एग्रीगेट में होना चाहिए आपका मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में, और साथ ही साथ आपकी डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए विद एग्रीगेट ऑफ मिनिमम 60% मार्क्स, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ ये आपकी डिग्री होनी चाहिए, तभी आप जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कमर्शियल पायलट लाइसेंस एसएसए की। तो इसमें भी जो डेट ऑफ बर्थ रखी गई है वो सेम है, 1 जुलाई 1997 से 30 जून 2003 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 2001 है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, ठीक है। बाकी सब चीजें ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए है ये। अब इसमें भी जो है आपका 12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट होना जरूरी है, और 55% एग्रीगेट में भी होना जरूरी है, और साथ में डिप्लोमा भी होना जरूरी है उनका भी एग्रीगेट में 55% डिप्लोमा के साथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना जरूरी है, ये कॉरिकुलम है, तो आप लोग एलिजिबल हो, ठीक है। साथ में आपका कमर्शियल पायलट लाइसेंस भी होना जरूरी है जिस दिन आप सबमिशन करोगे एप्लीकेशन का, ठीक है। टेक्निकल मैकेनिकल की बात करते हैं, ये है 1 जुलाई 1997 से लेकर 30 जून 2001 का डेट ऑफ बर्थ रखने वाले कैंडिडेट्स के लिए, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में है, अगर आपका जन्म इसके बीच में हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, मेल कैंडिडेट्स के लिए है। आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए और एग्रीगेट में 60% होना चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपके पास मैथमेटिक्स फिजिक्स सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, 55% होना चाहिए डिप्लोमा में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के साथ में। टेक्निकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी 1 जुलाई 1997 से 30 जून 2001 के बीच में डेट ऑफ बर्थ, मेल कैंडिडेट्स के लिए इंजीनियरिंग डिग्री होल्ड होनी जरूरी है, 60% एग्रीगेट में मार्क्स में होना चाहिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक में, पावर इंजीनियरिंग में, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें भी लिखी गई हैं, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स यहाँ पे भी वो सेम चीज़ है। लॉ एंट्री की बात करें तो आपका 1 जुलाई 1993 से लेकर 30 जून 2001 के बीच में डेट ऑफ बर्थ है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री जो है वो आपकी लॉ में होनी चाहिए और वो 60% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, एग्रीगेट में मिनिमम 60% होना जरूरी है। एसएसए जो है ये शॉर्ट सर्विस
कमीशन होती है, शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट होती है असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में, और इसकी पीरियड 8 ईयर्स की होती है नॉर्मली, जो कि आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग एक्सटेंड की जा सकती है 10 ईयर्स तक और मैक्सिमम एक्सटेंड की जा सकती है 14 ईयर्स तक। क्लियर। आगे बात करते हैं यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की, तो 5 ईयर्स की एससी एसटी को, 3 ईयर्स की ओबीसी को, नॉन क्रीमी लेयर में जो आते हैं, मैक्सिमम 5% रिलैक्सेशन एग्रीगेट मिल जाएगी एससी एसटी कैंडिडेट्स को। ठीक है, चलिए वैकेंसी डिटेल्स की बात करें। जनरल ड्यूटी सीपीएल के लिए 50 वैकेंसीज, टेक्निकल इंजीनियरिंग, टेक्निकल इलेक्ट्रीशियन 20 वैकेंसीज और लॉ के लिए एक वैकेंसी, टोटल 71 वैकेंसीज दी गई हैं। यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो अलग अलग करके आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, जैसे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसएसटी, इसके लिए आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो स्टेज वन होता है, फिर स्टेज टू होती है, स्टेज थ्री होती है, स्टेज फोर होती है, स्टेज फाइव होती है, इस तरीके से इसका फाइनल रिजल्ट आता है। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेरेशन के लिए भी देख लो, स्टेज वन का एग्जाम होगा, स्टेज फाइव कैन बी एसेस्ड बाय लॉगिंग टू द कैंडिडेट्स अकाउंट ऑन आईसीजे वेबसाइट, द रिजल्ट ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन एट स्टेज वन विल बी अनाउंस टेंटेटिवली विद इन 30 डेज, तो 30 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। अप्लाई तो आपको बता दिया मैंने, अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि इसके लिए एग्जामिनेशन कब शेड्यूल की गई है। तो यहाँ देख सकते हो कैडर दिया गया है और उसके बाद टेंटेटिव शेड्यूल फॉर एग्जामिनेशन 2023 बैच, यहाँ ध्यान से देखना क्योंकि यहीं पे हम डीबीजीडी की भी बात करने वाले हैं। स्टेज वन होगी नवंबर 2022 में, स्टेज टू दिसंबर 2022, स्टेज थ्री फरवरी से अप्रैल 2023, स्टेज फोर फरवरी अप्रैल 2023 और स्टेज फाइव जो कि एंडिंग होती है एंड जून 2023 में होगी, यानी जून तक ये प्रोसेस चलेगी, नवंबर में स्टार्ट होगी, यानी नवंबर में ये एग्जामिनेशन लेंगे। तो आप यहां से सोचो डीबीसीडी और यांत्रिक के कैंडिडेट हो तो कि अगर नवंबर में एग्जाम लेना होता तो क्यों सितंबर में एग्जाम लेने के लिए कोस्ट गार्ड की तरफ से लिखा गया है कि डीबीसीडी और यांत्रिक का एग्जाम सितंबर में हो जाएगा, अक्टूबर में तो उनका रिजल्ट भी आ जाता है और फिर उसके लिए उनकी स्टेज टू शुरू हो जाती है नवंबर से, तो फिर वो इतना डिले करके अगर करते हैं तो फिर वो नेवी के साथ कैसे ज्वाइनिंग करा पाएंगे, या फिर क्या चीजें चेंज होंगी, क्या नेवी की अलग ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी फिर और फिर कोस्ट गार्ड की अलग हो जाएगी, तभी ये पॉसिबल है। और ऐसा हो सकता है क्योंकि अग्निवीर हो गई है अब इंडियन नेवी, ठीक है, तो वहां पे जो चीजें हैं वो चेंज की गई है, उनका जो ट्रेनिंग का करिकुलम है वो भी चेंज करा गया है, तो वो क्या होगा वो आने वाले 10-15 दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा लगता है कि वैकेंसी नहीं आएगी कोस्ट गार्ड की, अभी आपकी नवंबर में ही देखने को मिलेगी वैकेंसी कोस्ट गार्ड की और मे बी वो फरवरी मार्च में एग्जामिनेशन लेंगे और साथ में शायद नेवी भी ऑनलाइन हो जाए, होप फॉर द बेस्ट और प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, यही है ना। चलिए अब इसके बारे में मैंने बात कर लिया, एक कंप्लीट वीडियो भी बनाऊंगा मैं कोस्ट गार्ड डीबीसीडी और यांत्रिक के ऊपर, लेकिन उसके लिए थोड़ा वेट करना होगा आप लोगों को। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि इसके लिए जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इसके बारे में, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं रक्षक ऐप पर एक महा ऑफर चल रही है जो कि आज रात के 12 बजे तक 11:59 तक वैलिड होगी। यहां पे अगर आप एमआर का प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, इंडियन नेवी एमआर आप लोगों को पता है, अगर आपने अप्लाई कर रखा है, अगर आप लेते हो और मेरा कोड ABSTUDY50 जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये यूज करते हो तो आपको ₹299 की टेस्ट सीरीज, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं, वो ओनली ₹135 में मिल जाएगी। तो अभी आपके पास चांस है, बड़ा मौका है, आप इनरोल करो और फायदा उठाओ, ABSTUDY50 यूज करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। अब बात करते हैं इनके स्टेज वन एग्जाम के बारे में, तो सेक्शन वाइज होंगे, सेक्शन वन, सेक्शन टू, सेक्शन थ्री, ये अलग अलग होगा। एक सेक्शन की बात कर लेते हैं, इंग्लिश रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, और इस तरीके से चार सेक्शन होंगे 25, 25, 25, 25 मार्क्स के, इनकी ड्यूरेशन होगी 2 आवर्स की। सेक्शन टू में मैकेनिकल एंट्री के लिए और सेक्शन थ्री में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे दी गई है। तो अलग अलग करके इनके एग्जामिनेशन पैटर्न भी होंगे, अलग अलग क्वेश्चन भी होंगे और 100 क्वेश्चन पर सेक्शन यहाँ होने वाले हैं, ये आप ध्यान रखना, लेकिन वो अलग अलग करके होंगे, अलग अलग टाइप से होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेक्शन टू अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने जो इंग्लिश है 10 नंबर के कर दिए, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 नंबर, जनरल साइंस मैथमेटिकल एप्टीट्यूड 10 नंबर, जनरल नॉलेज 10 नंबर और मैकेनिकल को बढ़ा करके कर दिए 60 नंबर, तो टोटल 100 नंबर यहाँ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से चीजें यहाँ रखी गई हैं, तो इस प्रकार से पूरा एग्जाम पैटर्न होने वाला है, सारी चीजें होने वाली है, तो बी रेडी, अगर आप इलिजिबल हो तो आप जरूर इसके लिए अप्लाई करो और बाकी लोगों को भी जरूर शेयर करो इस वीडियो को, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप कितने एक्साइटेड हो आने वाली वैकेंसीज के बारे में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो, सबका ख्याल रखो और जो ऑफर है उसके अंतर्गत अगर आप लेना चाहते हो जरूर जाकर ले लो। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।